रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा के लिए रवाना हुए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी सीएम के साथ ही रवाना हुए। सांसद दीपक बैज, फूलो देवी नेताम भी रवाना हुए। वहीं दंतेवाड़ा पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। तो दंतेवाड़ा में एक भीषण हमला हो गया था जवानों के काफिले पर, और उसी दौरान सर्चिंग अभियान के दौरान जब शहीद निकले हुए थे तो उस दौरान उन पर हमला हुआ और 10 जवान इसमें शामिल शहीद हो गए, जो कि आपको बता दें कि काफी ज्यादा दुखद यहां पर सभी के लिए। और दूसरी तरफ आज गार्ड ऑफ ऑनर शहीदों को दिया जाएगा, शहीद जवानों को दिया जाएगा। तो पार्थिव शरीर उन शहीद जवानों का दंतेवाड़ा पहुंच चुका है और दंतेवाड़ा के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी रवाना हो गए हैं। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा के लिए? कुछ ही देर पहले जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर पुलिस लाइन हेलीपैड ग्राउंड से रवाना हुए हैं और हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, सांसद दीपक बैज, फूलो देवी नेताम जो हैं वो भी उनके साथ हैं और वो दंतेवाड़ा जाकर जो शहीद जवान हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और परिजनों से मुलाकात के बाद जो शहीद जवानों के जो शव हैं वो परिजनों को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। और उसके बाद जानकारी ये भी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा में एक हाई लेवल बैठक करेंगे। उस बैठक में सुरक्षा के जो अधिकारी हैं वो शामिल रहेंगे, उस पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति जो है वो ही कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई देगी। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कल कर्नाटक दौरा तय हुआ था और कल शाम को 6 बजे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में भेंट मुलाकात के बाद दंते कर्नाटक रवाना होने वाले थे, लेकिन अचानक से जैसे ही नक्सली हमले की खबर आई और ब्लास्ट के जो 10 जवानों की शहादत की खबर आई, उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक का दौरा रद्द किया और एक मुख्यमंत्री निवास में भी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी जिसमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, जो डीजीपी हैं अशोक जुनेजा और उनके साथ साथ पुलिस विभाग के अधिकारी के अलावा जो मुख्यमंत्री निवास के सचिवालय के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल रहे हैं। बैठक के माध्यम से समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद अब रणनीति बनाई गई है कि आगे अब दंतेवाड़ा में भी बैठक की जाएगी और दंतेवाड़ा में बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी कि अब जिस तरीके से नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया है, उस कायराना करतूत को जवाबी हमले के तौर पर या जवाब कैसे दिया जाए उसकी भी कहीं ना कहीं रणनीति बनती हुई दिखाई देगी। चूंकि डीआरजी जो जवान शहीद हुए हैं, डीआरजी जवान नक्सल मोर्चे में तैनात वो जवान हैं जो सबसे ज़्यादा नक्सलियों के लिए घातक माने जाते हैं। चूँकि डीआरजी जो बल है उसमें बस्तर संभाग के ही लोकल रहने वाले युवाओं को भर्ती किया जाता है और कई जवान ऐसे हैं जो पहले नक्सली रह चुके हैं लेकिन उनके आत्मसमर्पण के बाद या नक्सल संगठन छोड़ने के बाद उन्हें डीआरजी में शामिल किया जाता है। माना जाता है कि डीआरजी के जो जवान हैं वो स्थानीय इलाकों की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, उनको भाषा बोली की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो ग्रामीणों से अच्छे से बातचीत कर सकते हैं और इस बातचीत के दौरान उनकी नज़र जो है कहीं ना कहीं नक्सली मूवमेंट पर रहती है। तो नक्सली जो है सबसे ज़्यादा डीआरजी जवान से खौफ खाते हैं और इसलिए उन्होंने इस तरीके की कायराना करतूत को अंजाम दिया। फिलहाल अब डीआरजी जवान जो है, डीआरजी जो फोर्स है उसके साथ एक बैठक के बाद अब आने वाले समय की रणनीति जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहीं दंतेवाड़ा में बनाते हुए दिखाई देंगे। कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू दंतेवाड़ा पहुंचेंगे जहां पर पुलिस ग्राउंड काली में सभी जो शहीद जवान हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद उनके परिजनों से भी मुलाकात होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अंकुश आज गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया जाना है, श्रद्धांजलि आज अर्पित की जाएगी और उसके बाद जो शहीदों का पार्थिव शरीर है, शहीदों का जो पार्थिव शरीर है वो उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अंतिम संस्कार की क्या प्रक्रिया है, कब तक किया जाएगा अंतिम संस्कार? देख,
देखिए करीब 11 बजे के आसपास का समय माना जा रहा है कि उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। गार्ड ऑफ ऑनर देने के तुरंत बाद परिजनों को सभी जो शहीदों के जो शव हैं वो सुपुर्द कर दिए जाएंगे और उसके बाद परिजन उनकी सबकी अपनी अपनी तैयारी है, सबकी अपनी 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 व्यवस्था है कि उन शहीदों के अंतिम संस्कार की। तो अब चूँकि कुछ जवान ऐसे हैं जो दंतेवाड़ा ज़िले के हैं और कुछ जवान ऐसे हैं जो आसपास के ज़िलों के, जो सुकमा बीजापुर ज़िले के भी रहने वाले हैं, तो वहाँ से ट्रैवलिंग में हो सकता है 1.5 घंटे का समय लगे। लेकिन आज अंतिम संस्कार की तैयारी जो है वो भी कर ली गई है। पूरे इलाके में जहाँ जहाँ जिस जिस इलाके से ये जवान आते हैं जो शहीद हुए हैं वहाँ पर गम का माहौल है। और हमने अभी कुछ ही देर पहले जो तस्वीरें देखी हैं दंतेवाड़ा काली पुलिस ग्राउंड की, वहाँ पर भी परिजन जो है रोते बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्वाभाविक भी है। उनके परिवार का एक जावाज बहादुर, जो स्वाभाविक है कि इस तरीके से रोना और बिलखना कि एकदम से उनके परिवार का कोई सदस्य यो शहीद हो जाता है। बहुत शुक्रिया अंकुश आपका।